अब खतरे से बाहर है। दोनों बच्चों का आईसीयू में इलाज चल रहा था। 11 साल के बच्चे प्रियांश को चोटें आई थी, गंभीर चोटें लगी थी। 6 साल की बच्ची की 3 दिन बाद सर्जरी हो पाई है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल थे, जबकि 6 बच्चों की कल ही इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। इन बच्चों को लेकर ये अपडेट कि अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। प्रोग्राम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल थे, अब अपडेट उनकी हेल्थ को लेकर कि वो दोनों ही खतरे से बाहर। वहीं स्कूल बस हादसे के बाद अब प्रशासन और सरकार दोनों ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन मंत्री असीम गोयल के अधिकारियों को आदेश भी जारी हुए हैं, बस चालकों की नियमित जांच की जाएगी। ये परिवहन मंत्री असीम गोयल की तरफ से कहा कि बस चालकों की नियमित जांच की जाएगी। स्कूल बस में एल्कोमीटर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। शराब पी है या नहीं इसकी जांच होगी। राज्य के सभी स्कूलों से बसों का ब्यौरा मांगा गया है। 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की चेकिंग होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। परिवहन मंत्री कल से ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी अधिकारियों को पहले आदेश दे चुके थे कि जांच की जाए, कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती जाए। हमने एक तो रिकॉर्ड मंगाया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो आगे से ये रेगुलर एक टाइम फ्रेम बनेगा इन मीटिंग्स के होने का। और स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की तो मीटिंग शायद अगले हफ्ते ही हमारे जो PSN की चेयरमैनशिप में हो जाएगी। और साथ में हमने एक एल्कोमीटर का सुझाव भी दिया है कि अगर वो पॉसिबल हो सकता है उसकी ग्राउंड की जो एक बार रियलिटी चेक करके कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो एल्कोमीटर का सुझाव हमने दिया है कि जो ड्राइवर स्कूल बसों के ऊपर हैं वो कैसे शराब उन्होंने कितनी इनटेक कर रखे, नहीं कर रखे सारा, और आगे की उनकी बसों की जांच भी करवाएंगे। और उनकी नहीं, मैंने तो पूरे हरियाणा के स्कूलों की जो बसों के आदेश दिए हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उनसे बात करने के बाद हमने आदेश भी दिए हैं कि 20 तारीख से एक यूनिवर्सल चेकिंग ड्राइव जो पूरे हरियाणा में स्कूल के व्हीकल्स के लिए हम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी 8-10 दिन का समय भी है, कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रहती भी है व्हीकल्स में, वो स्कूल वाले अपने दूर करवा लेंगे, तो 20 अप्रैल